ग्राम चुरारा में शीतला माता मंदिर के पास स्थित देवस्थान की भूमि पर अवैध कब्जा करने की शिकायत ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी मऊरानी पर मृत्युंजय मिश्रा से की है। ग्राम चुरारा निवासी अरविंद कुमार कुशवाहा, चंचल सिंह और सुनील सिंह, घनेन्द्र कुशवाहा, मुकेश कुशवाहा, छत्रपाल मनोहर, हरिश्चंद्र कुशवाहा, नरेश कुशवाहा, भोले कुशवाहा व संतोष कुमार सहित करीब एक दर्जन ग्रामीणों ने बताया कि गांव में काफी पुराना शीतला माता का मंदिर है। उसी मंदिर के पास देवस्थान की भूमि है। देवस्थान की जमीन पर गांव का ही हरपाल साहू जबरन मंदिर के पास कब्जा कर रहा है। उक्त व्यक्ति ने मकान का निर्माण कर चबूतरा बना लिया। मंदिर के पास नवदुर्गा उत्सव के उपलक्ष्य में लगाया पंडाल एवं सजावट को उखाड़ कर फेंक दिया। आरती करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के साथ अभद्र व्यवहार कर पूजा अर्चना में बाधा डाल रहा है। ग्रामीणों ने मंदिर की जमीन से अवैध कब्जा हटवाने एवं दुर्गा माता के पंडाल में व्यवधान डाल रहे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। अरविंद कुमार कुशवाहा, कहाँ से आए? चुरारा से। किस समस्या को लेकर? मंदिर सजाते हैं हम लोग शीतला माता का, वहाँ पे एक साहू है, उसने मकान बना रखा है। उनसे कहा था भाई सेठ जी मकान ज्यादा आगे नहीं बनाना, मंदिर सजाते हैं हम लोग, भीड़ ज्यादा जुड़ती है, जगह कम पड़ेगी। बोले हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम बना लेंगे, थोड़ा अपने में बना लेंगे। फिर उन्होंने बना लिया और फिर चबूतरा भी बना लिया। वहाँ पे हम लोगों ने जहाँ की सजाने के लिए पंडाल लगाए हैं, तो वहाँ पे आए सो मारने पीटने की धमकी थी, पंडाल वंडाल भी तोड़ के फोड़ के फेंक दिया। तो अभी कहाँ पर आ गया अपन देने? आप उप जिला अधिकारी के पास? वो कह रहे हैं थोड़ी देर में मिल रहा है आपसे। चंद कुशवाहा, क्या समस्या? समस्या यह है कि हम चुरारा से आए हुए हैं और हम यहाँ चुरारा में मंदिर सजाते हैं शीतला माता का, तो वहाँ जो साहू जी का मकान बना हुआ है, तो वो जो हम पंडाल लगाते हैं वहाँ, तो पंडाल लगाने नहीं दे रहा है, वहाँ झांकी सजाते हैं हम लोग। क्या नाम साहू जी का? साहू जी का हरपाल साहू। हाँ बताया, वो बोल रहे हम आधे घंटे में मिल रहे हैं आपसे, सारी समस्या का हल बताएंगे। कब से आप वहाँ झांकी सजाते हैं? वो हम 5 साल से सजा रहे हैं। मऊरानीपुर से भूपेंद्र सिंह परिहार के साथ नेहा श्रीवास की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज़, झांसी।